महानगर में दीपावली का त्यौहार परंपरागत तरीके से हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। दीपावली के दिन लोग पटाखा खरीदने के लिए बाजारों में उमड़ पड़ते हैं। मंगलवार को महानगर के विभिन्न पटाखा बाजार में लोग अपनी जरूरत के हिसाब से पटाखों की खरीद करते रहे। महानगर में विभिन्न जगहों पर पटाखों की सैकड़ों दुकानें प्रशासन की सहमति से लगाई जाती है। दीपावली पर भारी मात्रा में आतिशबाजी होती है, जिसके कारण वायु प्रदूषित होता है। इसी वजह से इस बार दीपावली पर पटाखा जलाने की समय सीमा निर्धारित कर दी गई है, जिसकी वजह से नागरिक थोड़े मायूस भी हैं। लेकिन इस बात को मानते हुए कि पटाखा जलाने से हमारा पर्यावरण दूषित होता है और हमें पटाखा जलाने की समय सीमा को ध्यान में रखते हुए कम से कम पटाखे जलाने चाहिए, जिससे वातावरण कम से कम प्रदूषित हो। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए ग्राहकों और दुकानदारों ने कहा, अरे बोले तो सही है ना, थोड़ा सा और देखिए दिखाओ खास मेरा नाम राजेश कुमार। क्या खरीदारी हो रही है सर? बच्चों के लिए पटाखे लिए जा रहे हैं, बेहतरीन है थोड़ा सा, पर डस्टिंग बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। हाँ, और बहुत सारे पटाखे वगैरह हैं जो बच्चों पटाखे बजाने के लिए समय सीमा भी निर्धारित की गई है। हाँ सर, ये मुझे मालूम हुआ है कि यहाँ भी रात को 9 से 10 बजे तक ही बजाया जा सकता है। सर लोग उसका पालन करेंगे, उसका पालन करेंगे। क्या दिलाया बच्चों? बस जो ज़्यादातर छोटे छोटे पटाखे आतिशबाजी, बस जो पोल्यूशन कम करें, बच्चों को हार्मफुल ना हो, ये चीजें हमने बच्चों को किए। आकांक्षा अग्रवाल। आकांक्षा, क्या खरीदा आज आपने? अनार फुलझड़ी। अच्छा, इस बार दीपावली के जो है समय भी सीमा निर्धारित की गई है पटाखे, क्या कहेंगे उसको? बहुत अच्छी बात है ये। आशीष चौधरी। कहाँ पे आए हैं आप? यहाँ पे बम लेने आए हैं। दीपावली में बजाना? जी बजाने बजाना है। खुशहाल कल मनाएंगे, खुशहाल से मनाएंगे। इस बार जो है बम बजाने के लिए एक समय सीमा निर्धारित की गई है। जी नहीं जी, 10 बजे बाद बंद हो जाएगी। पंकज अरोरा। पंकज जी, इस बार दीपावली कैसे रहेगी आपकी? दीपावली ठीक ठाक रहेगी, अच्छी रहनी चाहिए, और क्या उम्मीद अभी बाकी मने तब ना। बस यही समय को दिया गया इस बार प्रशासन द्वारा, बहुत अच्छा समय दिया गया 2 घंटे के लिए। पॉल्यूशन को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, हम लोगों को भी, हमारी डायबिटीज बनती है, पॉल्यूशन काफी दूषित हो जाता है, दूषित हो ही जाता है। पर थोड़ी परंपरा का भी ध्यान देना चाहिए, जो पुरानी परंपराएं चली हैं उसको नहीं बंद किया जाना चाहिए। क्या नाम है? अब्दुल करीम खान। अब्दुल, क्या इस समय है मार्केट का माहौल? सर बहुत ख़राब चल रही है, सुप्रीम कोर्ट 2 घंटा आर्डर किए, 2 घंटा आर्डर होने की वजह से दुकानदारी इतनी ख़राब है कि सुबह से 5,000 बेचना बहुत मुश्किल हो गया है। 50,000 60,000 लगा के दुकानदारी लगाया गया, 20-9 साल से इतनी दिक्कत कभी नहीं झेलने को मिली जितनी इस साल झेलने को मिल रही है। लेकिन
हाँ सर, उसको देखते हुए समझ ऐसा सरकार उसको कुछ कुछ उसके लिए कुछ नियंत्रण कदम उठाना चाहिए, पटाखे ऐसे बनवाना चाहिए जो इंडिया में बने और प्रदूषण कम हो। हम लोग तो इसके लिए अग्रणी, ये बहुत अच्छी सरकार की पहल है कि प्रदूषण की वजह से ध्यान दे रही सरकार, मगर हम लोग के ऊपर भी ध्यान दें। 20-25 साल से हम लोग कर रहे हैं सर, तो उस पर ध्यान दीजिए सरकार। सरकार नहीं ध्यान देगी, हम लोग गरीब आदमी हैं। महबूब आलम, महबूब जी, जो इस बार जो है दीपावली पर जो पटाखे की बिक्री है, किस तरह की है? बिक्री बहुत कम है, बिल्कुल ग्राहक कोई नज़र नहीं आ रहे हैं। अब वजह तो अब उन्हीं लोग से पूछा जाएगा कि आप क्यों नहीं ग्राहक नज़र आ रहे हैं। आखिर कुछ रीज़न तो आप लोग को पता होगा, क्योंकि दीपावली महंगाई इतनी ज़्यादा है, पटाखा जो है प्रशासन इतना सख्त है पटाखे पे कि चोरी छुपे लाना पड़ रहा है, और महंगाई और उनको डबल रेट मांग रहे हैं, डबल रेट में हमको बेचना पड़ रहा है, डबल रेट में हम खरीद के ला रहे हैं। पटाखा तो सब बिक रहा है, महंगाई की वजह से ग्राहक नहीं आ रहे हैं। अब पटाखा 2 घंटा चाहे 4 घंटा वो जितना भी समय दे दें, जिसको जितना बजाना हो तो उतना बजाएगा। 50,000 का खरीदेगा वो 5 घंटा बजाना चाहेगा बजाएगा, मगर प्रशासन अगर प्रदूषण की वजह से 2 घंटे का समय दिया है तो उस प्रशासन को चाहिए कि कारों को भी 2 ही घंटा चलाने का समय दे।